नमस्कार दोस्तों, जीआरएस टेक्निकल में आपका स्वागत है। लेकर मैं आ गया हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का साइकोलॉजी का पेपर। तो चलिए देखा जाए। तो साइकोलॉजी थ्योरी में आपको 70 मार्क्स फुल मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। समय मिलता है 3 घंटे। ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं जिसे आप देख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए। अब यहाँ से दोस्तों प्रश्न शुरू हो गया है, तो चलिए देखा जाए। पहला प्रश्न है कि उपागम बुद्धि को योग्यताओं का एक समुच्चय मानता है, तो इसमें क्या होगा आंसर, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आंसर बताएं अगर आपको आता हो तो, अन्यथा आप कमेंट में पूछ सकते हैं किसी का भी आंसर, मैं तुरंत उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। तो ये 6 नंबर तक हो गया, ये है 7, 8, 9, 10। फिर ये सारा थ्योरी टाइप का है, इस एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद ये सब प्रश्न है, अच्छे से आप देख लें। पार्ट डी में आ गए हैं हम लोग। अब बस कुछ क्वेश्चन बच गया है, वो भी देख लिया जाए। देख लीजिए दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। पार्ट ई तक है, आप देख लें। 6 × 6 6 मार्क्स का है ये सारा प्रश्न, अच्छे से देख लें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। हंसते मुस्कुराते रहिए और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।